हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ये आपका एडिटोरियल लिखा गया है भारत चीन संबंध के बारे में। तो देखेंगे कि भारत चीन संबंधों का इतिहास क्या रहा है, आखिर भारत चीन के बीच सहयोग के क्षेत्र क्या क्या हैं उन्हें भी देखेंगे, और भारत चीन के बीच जो विवाद के बिंदु हैं उन्हें भी देख लेंगे, और विवाद समाधान की रणनीति क्या अपनाई जा रही है उसे भी देखेंगे, और आगे की राय क्या हो सकती है उसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैप्स में आपके चीन की यानी कि चाइना की स्थिति देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपका भारत और चीन एशिया महाद्वीप में आता है। तो देखिए, ये है आपका प्यारा भारत, इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ नेपाल, नेपाल के ऊपर ये आपका चीन है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है आपका चीन, उसके बाद भारत। अगर हम लोग इसके अपने राज्यों की बात करें, कौन कौन से राज्य चीन से लगते हैं, तो इसमें आपका जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद आपका यहाँ सिक्किम भी हो गया, ठीक, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। और आपने देखा होगा कई बार अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करता रहता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहता है। तो याद रखिए, चीन की राजधानी बीजिंग है, और जो यहाँ अभी राष्ट्रपति हैं आपके सी जिनपिंग हैं, और यहाँ एक ही पार्टी है समाजवादी गणराज्य, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस आर्टिकल के बारे में यानी कि एडिटोरियल के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे समय में जब विश्व व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है, विश्व व्यवस्था के दो बड़े राष्ट्र भारत व चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं। जब दुनिया कोरोना से लड़ रहा है, तब चीन कुछ विवाद खड़ा कर रहा है सीमा को लेकर। हालिया विवाद का केंद्र अक्साई चीन में स्थित गालवन घाटी है, जिसको लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। अक्साई चीन आपका ये वही हिस्सा है कश्मीर वाला, ठीक है, अब लद्दाख में आ गया है आपका, जहां भारत का आरोप है कि गालवन घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। इस घटना से पूर्व उत्तरी सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भी भारतीय व चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले। उपयुक्त घटनाएं भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा व सुरक्षा संबंधों की जटिलता को प्रदर्शित करते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। यह विदित है कि भारत और चीन दोनों ने लगभग एक साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई। भारत ने जहां सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के मूल्यों को खुद में समाहित किया, तो वहीं आपके चीन ने छद्म लोकतंत्र को अपनाया, और भारत चीन संबंधों की इस गाथा में अनेक स्याह मोड़ आए। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से लेकर वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से होते हुए दोनों देशों के बीच संबंध आज इस दौर में है कि भारत व चीन विभिन्न मंचों पर एक दूसरे की मुखालफत करते नजर आते हैं। नारा क्या था? हिंदी चीनी भाई भाई। फिर उसके बाद 1962 में आपका भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, भारत की पराजय हुई थी, ठीक है। और आपने देखा होगा पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की पाबंदी ना लगने का कारण चीन की मदद है। अब बात करते हैं भारत चीन संबंधों का विकास क्या रहे। अजहर जो मसूद था, उसे आतंकी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में एक भारत के सामने एक चुनौती चीन बनकर खड़ा हुआ था। जैसे ही यूएन में मुद्दा जाता था, चीन वीटो कर देता था, लेकिन बहुत टाइम बाद
उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन में जोड़ा गया, उस पर पाबंदी लगाई गई। हजारों वर्षों तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा। परंतु जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो वहां कब्जा कर लिया, तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए। जो तिब्बत था अभी भी कई देश इसे अलग देश मानते हैं, लेकिन इस पर क्या है कि चीन ने अपना कब्जा कर लिया है ताइवान पर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका अभी भी इसे अलग देश का दर्जा देते हैं। 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे और कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के आगमन तक ही सीमित थे। वर्ष 1954 में नेहरू और झोउ एन लाई ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के अध्यात्मक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत, पूरे हिमालय क्षेत्र में विवाद विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया। पर वर्ष 1962 में सीमा संघर्ष से द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लगा। उसके बाद वर्ष 1976 में भारत चीन राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया। इसके बाद समय के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला है। फिर आता है आपका वर्ष 1988। इस समय भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीन का दौरा किया। दोनों पक्ष सीमा विवाद के विषय पर पारस्परिक स्वीकार समाधान निकालने तथा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए सहमत हुए। वर्ष 1992 में भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने भारत चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। फिर आता है वर्ष 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष तथा वर्ष 2012 को चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया। इसके बाद चीन ने भारतीय आधिकारिक तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला किया। भारत ने चीन में आकर भारत पर्यटन वर्ष मनाया। वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उनके बीच गहन विचार विमर्श हुआ और वैश्विक और द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों के साथ साथ घरेलू एवं विदेशी नीतियों के लिए उनके संबंधित दृष्टिकोण पर व्यापक सहमति बनी। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति के बीच चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन में बनी आम सहमति को और अधिक दृढ़ किया गया। वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है तथा भारत चीन सांस्कृतिक तथा पीपल टू पीपल संपर्क का वर्ष भी है, यानी कि लोगों से संबंध। अब बात करते हैं हम लोग सहयोग के क्या क्या क्षेत्र हैं चीन और भारत के बीच, ठीक है। राजनीतिक तथा राजनयिक संबंध, भारत तथा चीन के शीर्ष नेताओं द्वारा दो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए तथा वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर गहन विचारों का आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का लगातार आदान प्रदान, अंतर संसदीय मैत्री समूह स्थापना, सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक
आदि का आयोजन समय समय पर किया जाता रहा है। भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के विभिन्न विषयों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए लगभग 50 संवाद तंत्र। बात करते हैं आर्थिक संबंध की, तो 21वीं सदी के प्रारंभ से अब तक भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार 3 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 100 बिलियन डॉलर यानी कि 32 गुना हो गया है। वर्ष 2019 में भारत तथा चीन के बीच होने वाले व्यापार की मात्रा 92.68 बिलियन डॉलर थी। भारत में औद्योगिक पार्कों, ई कॉमर्स तथा अन्य क्षेत्रों में 1000 से अधिक चीनी कंपनियों ने निवेश किया है। भारतीय कंपनियां भी चीन के बाजार में सक्रिय रूप से विस्तार कर रही हैं। चीन में निवेश करने वाली 2/3 से अधिक भारतीय कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं। 2.7 बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त बाजार तथा दुनिया के 20% के सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारत और चीन के लिए आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। भारत में चीनी कंपनियों का संचयी निवेश 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का है। अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो भारतीय कंपनियों ने चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किए, जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। रक्षा संबंध की बात करें तो भारत चीन के बीच हैंड इन हैंड संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की अब तक 8 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। फिर आपका पीपल टू पीपल कनेक्ट, दोनों देशों ने कला, विकासन, मीडिया, फिल्म, टेलीविजन, संग्रहालय, खेल, युवा, पर्यटन, स्थानीयता, पारंपरिक चिकित्सा, योग शिक्षा तथा थिंक टैंक के क्षेत्र में आदान प्रदान तथा सहयोग पर बहुत अधिक प्रगति की। दोनों देशों ने सिस्टर सिटीज तथा प्रांतों के 14 जोड़े स्थापित किए। फुजियान प्रांत और तमिलनाडु को सिस्टर स्टेट के रूप में, जबकि चिन छो एवं चेन्नई नगर को सिस्टर सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा। अब बात करते हैं विवाद के बिंदु क्या क्या हैं। सीमा विवाद, जैसे पेंगोंग तिसो मुरीरी झील का विवाद 2019, फिर आपका डोकलाम गतिरोध 2017, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में आस पीला चेत पर विवाद, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NGNSG में भारत का प्रवेश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता आदि पर चीन का प्रतिकूल रोक है। बेल्ट एंड रोड महल संबंधी विवाद, जैसे चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPC विवाद, सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव एवं समर्थन। फिर आपका चीन ने हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भारत क्वाड का सदस्य है की भूमिका पर विशेष असंतोष जाहिर किया है। अगर हम लोग विवाद का समाधान की रणनीति पर बात करें, तो दोनों देशों को नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए, मैत्रीपूर्ण सहयोग की सामान्य प्रवृत्ति को विकसित करने पर बल देना होगा, पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की गति का विस्तार करना चाहिए। भारत और चीन को अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय को बढ़ाना चाहिए, दोनों देशों को आपसी मतभेद का उचित प्रबंधन करना होगा। अब हम लोग बात करें आगे की राय क्या हो सकती है इसमें। सीमाओं को परिभाषित करने के साथ ही उनका सीमांकन परिसीमन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भय को दूर किया जा सके और संबंधों को मजबूत किया जा सके। पिछले 10 वर्षों के द्विपक्षीय व्यापार में चीन ने भारत के मुकाबले 750 बिलियन डॉलर की बढ़त बना ली है, जिसे कम करना बहुत आवश्यक है। व्यापार घाटे को कम करने में सेवा क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। विश्व में चीन तथा भारत ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, तथा ये दोनों देश राष्ट्रीय कार्यकल्प के ऐतिहासिक मिशन के साथ ही विकासशील देशों के सामूहिक उत्थान प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं।
भारत और चीन के बीच की समस्याओं को अल्पावधि में हल किया जाना कठिन है, लेकिन मौजूदा रणनीतिक अंतर को न्यूनतम करने, मतभेदों को कम करने और यथास्थिति बनाए रखने जैसे उपायों से समय के साथ आपसी संबंधों को और बेहतर बनाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि भारत और चीन के पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर भारत और चीन मिलकर काम करें तो एक महाशक्ति बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपका पड़ोसी और आप कभी मिलकर नहीं रह सकते, एक दूसरे में जलन होती ही रहती है। तो उसी तरह देशों का हाल। तो चलिए, ये था आपका भारत और चीन के बीच किस तरह संबंध है। ठीक है, सभी पक्षों को हम लोगों ने देख लिया।